जॉब, मेक अ गुड सीवी, खुद बनाएं या किसी कंपोजर से बनवाएं, झूठा सच्चा सब एक्सपीरियंस इसमें लिख दें। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं मैं जिस ऑफिस में झांक कर आ जाता हूँ वहाँ का मैं एक साल का एक्सपीरियंस लिखता हूँ। उसकी सीवी 7 पेजेस पर आती है, 8वां मांगती है। जहर है उसकी रिटेंटिव मेमोरी है। फॉर जॉब 4 सिटीज आर सूटेबल, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड गवादर, बाकी सब कचरा है, वीराना है, मायूसी है, छोटी जिंदगी है। अगर आप आउटसाइडर हैं, अपना कोई दोस्त इन सिटीज में तलाश कीजिए, 10,000 पॉकेट में डालिए, 3,000 का एक स्मार्टफोन लीजिए, बैलेंस, नेट पैकेज, वालदेन से इजाज़त, उन्हें कन्वेंस करें और नेट पर रूम ऑन रेंट इन लाहौर या रूम इन हॉस्टल इन लाहौर सर्च करते रहें। गर्ल्स को चाहिए कि हॉस्टल का रुख करें, 3,000 पर मंथ में किसी के साथ रूममेट हो जाएं। जुबली टाउन, शाहकाम चौक, बहरिया टाउन, मून मार्केट, बरकत मार्केट आइडियल प्लेसेस हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। यहाँ पर हॉस्टल्स मौजूद हैं। अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, तो रोज़ाना 30 CVs डिफरेंट कंपनीज के ऑफिसेज में ड्रॉप करें, लाइक वारेद, यूफून, कॉल्टेक्स, प्राइवेट कॉलेजेस एक्सेट्रा। और अगर आप मेरी तरह मैट्रिक पास हैं, तो ठोकर से लेकर सुंदर तक अ लॉट ऑफ रिच सोसाइटीज़ आर ओवर देयर। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज, होम ट्यूशन्स का बहुत बड़ा कारोबार है। किसी रिसेप्शन पर जाकर बैठ जाएं, नौकर ऑनलाइन है, ऑबर है, करीम है, गर्ल्स के लिए lunch.com है, कॉल सेंटर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सेल्स गर्ल हो जाएं, मुझसे डेटा एंट्री का काम ले लें, 5 to 10 हाउसेस में जाकर कपड़े प्रेस कर लें, किसी कंस्ट्रक्टर ठेकेदार के मुंशी बन जाएं, चौकीदार बन जाएं, ऑफिस बॉय बन जाएं, कुछ वक्त के लिए। कुछ नहीं होता। जब मैं मैट्रिक में था तो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझसे कहा था, खालिद, हीरे को झुक कर उठाना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, लोग तो चाहते हैं आप तरक्की ना करें, और वो तर्स बांटते रहें। खादिम हुसैन कहते हैं, लोग आपको पत्थर मारें, गालियां दें, आप तरक्की करते जाएं। एट आवर्स की जॉब करें या वेला 24 आवर्स का चौकीदारा कर लें किसी खाली पड़े न्यू कंस्ट्रक्टेड घर का बहरिया में, बहरिया टाउन में, और तरह तरह की बुक्स घर ले आए, पढ़ें, लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्टफोन, यूट्यूब को अपना हिस्सा बना लें, तरह तरह के रेस्टोरेंट जाएं, तरह तरह की ड्रेसिंग करें, मस्जिद जाएं, दोस्त बनाएं, योगा करें, टाउन का हिस्सा बन जाएं, बेहतर से बेहतर खुद को पेश करें कि लोग आपको बेहतर जॉब ऑफर करने लगे। 3 आवर्स डेली अपनी स्टडी को दें, प्राइवेट स्टडी करें, FA BA ME इंग्लिश करें, मगर कोई ऐसी स्टडी नहीं करनी जिस पर अलॉट ऑफ एक्सपेंसेस आते हों या आपको रेगुलर एकेडमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी पड़े। सेल्फ स्टडी करें, अपने तरीके से जिए, इंग्लिश इम्प्रूव करें, IT खुद यूट्यूब से सीखें, बेहतर से बेहतर जॉब पर बाय पोस्ट, डाक के जरिए अप्लाई करते रहें। फॉर वाइट कलर जॉब, इंग्लिश एंड IT बोथ आर नेसेसरी। गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है तो CSS के 1-2 पुरानी बुक्स ले आए, हर सूटेबल जॉब पर हर रोज अप्लाई करें, बाय पोस्ट या ऑन वेबसाइट। टेस्ट इंटरव्यू लाजमी अटेंड करें, ड्रेसिंग नॉर्मल, दिमाग आपका शार्प, माउथ आपका ब्रेव एंड ब्रेन, चेहरा साफ और आंखें भोली रखें, किसी को पसंद आ जाएंगे।
इंटरव्यू में जिस लैंग्वेज में सवाल पूछे जाएं उसी लैंग्वेज में जवाब दें। सवाल समझ में ना आए तो कहें, प्लीज वंस अगेन पार्डन मी सर, पार्डन मी। जवाब ना आए तो एस्टिमेटेड जवाब दें या सॉरी सर कहें। घर में एक रजिस्टर बना लें, जो सवाल पूछे जाएं यहां नोट करते रहें, सोचते रहें, जवाब ढूंढते रहें। रजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रजिस्टर आपकी विटैलिटी है, ताकत है, आपका प्रैक्टिकल इल्म है। बस अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये रजिस्टर कर लें, वरना एक मिनिस्टर कर लें। दुबई में जॉब गेन करने के लिए सबसे पहले खुददार एटीट्यूड अपनाएं, खुददार, लेस डिपेंडेंट की पॉलिसी अपनाएं। रिलेटिव या फ्रेंड से कहें जो दुबई में है कि वो आपके पहुंचने से पहले आपकी एक सिम की अरेंजमेंट कर दे और उसका नंबर आपको सेंड कर दे और वहां पर आपकी रेजिडेंस अरेंज कर दे और एयरपोर्ट से आपको रिसीव कर ले। बस इतना काम, इतना वजन उस पर देना है। अपने एरिया के किसी बाकायदा एजेंट से 3 मंथ्स का विजिट वीजा लें, टिकट लें, स्मार्टफोन, सीवी विद यूएई फोन नंबर। ऑल सर्टिफिकेट्स और दुबई जाकर जॉब तलाश करें। मुश्किल होगी पर जॉब मिल जाएगी। कॉल सेंटर्स, सिक्योरिटी कंपनीज, सिक्योरिटी गार्ड्स, सेल्समैन, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस साथ लेकर जाएं। ये जॉब्स वहाँ पर आगाज यहीं से होगा। यूएई में 1,50,000 का फार्मूला है। प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी, माइग्रेशन एंड किस्मत। प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी, मौका, माइग्रेशन, हिजरत एंड किस्मत। किस्मत जंगली घोड़े की तरह होती है, इसे 2 जानों में जकड़ कर रखें, इसे पीटें, इसे सरपट दौड़ाएं, अदरवाइज ये किस्मत आपको घसीटेगी, नंगा कर देगी कि खाल उतार देगी। मैं पाकिस्तान को प्रेफर करता हूं, मैं लाहौर को प्रेफर करता हूं। लाहौर में ज़हनी वुसत है, आप किसी भी रंग के हों इसमें समो जाते हैं, तासुब ज़ीरो है। मैं कहता हूँ लिव इन लाहौर, डाई वेयर एवर यू लाइक। जिंदा रहना है तो लाहौर में रहिए, मरना है तो कहीं भी जाकर मर जाइए। लाहौर में प्रॉपर्टी डीलर की जॉब अच्छी है क्योंकि लाहौर में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, रोड प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बादशाह का शहर है और इस काम में आज़ादी है, इल्म है, तरक्की है, डाउन मार्केट में भी पैसा है। बुलंद हौसला चाहिए, बुलंद हौसला। मोहसिन नकवी ने कहा था, भले लगते हैं मुझे तूफानों से लड़ते हुए बादबां, हवा के रुख चलती कश्तियां मुझे अच्छी नहीं लगती। गर्ल्स की टीचिंग फील्ड में बहुत अहमियत है, यहाँ मैट्रिक पास विद गुड इंग्लिश एंड मैथ, होम ट्यूशन पढ़ाकर 70,000 कमा लेती हैं। डरना नहीं है बल्कि सही प्लेटफॉर्म तलाश करना है, तजर्बा करना है। जगजीत ने कहा था, क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजर्बा होगा। स्मार्ट से स्मार्ट जॉब की तलाश में रहें, 2-2 जॉब्स करें, जिस फील्ड में शौक हो उस फील्ड में जॉब करें, जिस जॉब पर आपका मन राजी हो जाए उसे मत छोड़ें। ऑफिस को अपना घर बना लें, दिन रात वहीं पर खाएं, वहीं पर पढ़ें, वहीं पर पहने, उधर ही सो जाएं, कुछ ना होगा, ऑफिस की माँ बन जाएं। गालिब कहता है कि खुशी की मिराज ये है कि इंसान का शौक और काम एक हो जाए।
और चौधरी इम्तियाज अहमद कहते हैं, जॉब हकीकी मायनों में आप उस वक्त करते हैं जब आप मालिक बनकर काम करते हैं, अपनी काबिलियत, काम वर्थ और रेफरेंस से माहौल में मीठा मीठा खौफ पैदा रखें, रफनेस ना पैदा करें वरना लोग नफरत करेंगे। रात को चाहे एक घंटा सोने को मिले पर आप हर रोज सुबह लोगों के आने से पहले अपनी सीट पर बैठे हों, लोग आपको आकर सलाम करें, दूसरों का काम करें, ये मत सोचें वो काम क्यों नहीं करता मैं क्यों करूं, काम सुदाइयों की तरह करें, पागलों की तरह। अपनी महदूद अर्निंग की कमेटी नहीं डालनी, ना इंस्टॉलमेंट पर प्लाट लेना है उस एरिया में जहां गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आने हों। 10,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट वाली कई अच्छी सोसाइटीज हैं नियर बाय बहरिया टाउन। गुर्बत के हसार को तोड़ने का बस यही रास्ता है, अदरवाइज बाबा जी ने कहा था रोटी बंदा खा जाती है। जॉब के साथ लाजमी है कि आप एजुकेशन इम्प्रूव करते रहें, अदरवाइज आपका कद छोटा रह जाएगा और आप रेड फील्ड से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। रेड फील्ड से चूहे का दायरा, शेक्सपियर कहता है, फेलियर इज नथिंग बट द लो एम इज क्राइम। नाकामी कुछ भी नहीं लेकिन छोटा एम बनाना जुर्म है। नाइस ऑफ यू, दिस इज योर होस्ट लेक्चरर एम के भुट्टा।